हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों? इंग्लैंड वीएस इंडिया का मैच देखकर कुछ खुशी हो रही है और कुछ गम हो रहा है दोस्तों। तो गम तो ये हो रहा है दोस्तों कि इंडिया मैच जानबूझकर हार गया, और खुशी ये हो रही है दोस्तों कि पाकिस्तान को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। तो दोस्तों, इंग्लैंड फाइनली मैच जीत चुकी है 31 रनों से। तो दोस्तों, इंडिया का माइनस पॉइंट क्या रहा? इंडिया का माइनस पॉइंट दोस्तों ये रहा कि जो MS धोनी जी है, उन्होंने बिल्कुल भी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की और जानबूझ कर इस मैच को गंवा दिया दोस्तों। और प्लस पॉइंट ये रहा दोस्तों कि जो धोनी से पहले जो भी क्रिकेटर आया था, उन्होंने पूरी जान लगा दी मैच जीतने के लिए, और उसी तरीके से खेलते तो ये मैच जीत भी जाते दोस्तों। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी, उनका कोई इरादा नहीं था मैच जीतने का, और उनकी वजह से ये पूरा का पूरा मैच पानी के अंदर चला गया दोस्तों। और दोस्तों, इंग्लैंड की बात करें तो उन्होंने पूरी जी जान लगा दी थी इस मैच के अंदर। तो उनकी बल्लेबाजी देखें तो बल्लेबाजी बहुत ही सुपर फास्ट बल्लेबाजी थी दोस्तों, और उन्होंने 337 रन बनाए, जो कि ताबड़तोड़ बहुत अच्छा स्कोर खड़ा किया, जिसके अंदर की जॉनी बेस्ट थे दोस्तों, उन्होंने 111 रन बनाए 109 बॉल पर। बेन स्टोक्स थे, उन्होंने 79 रन बनाए 54 बॉलों पर। जेसन रॉय ने 66 रन बनाए 57 बॉल पर दोस्तों। और दोस्तों, मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और फिर से 5 विकेट लिए उन्होंने 69 रन देकर 10 ओवर्स के अंदर दोस्तों। और इसी के साथ यदि बात करें दोस्तों रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, जिसके अंदर 102 रन बनाए उन्होंने 109 बॉल के अंदर। बहुत ही अच्छी पारी उनकी कह सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ विराट कोहली भी बहुत अच्छा खेले दोस्तों, हार्दिक पांड्या भी बहुत अच्छा खेले, लेकिन उनके बाद जो भी खिलाड़ी आया दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने पूरा का पूरा मैच बर्बाद कर दिया दोस्तों। और मुझे इस बात की खुशी है दोस्तों कि पाकिस्तान बाहर हो गया है। और जिस कप मैं एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से एड के अंदर अभिनंदन से कप छीना गया है, उसी तरह से आज विराट कोहली की टीम ने दोस्तों वही काम कर दिखाया है कि पाकिस्तान के हाथ से कप छीन कर दिखाया है। इससे मुझे बहुत खुशी हुई है दोस्तों कि पाकिस्तान और इंडिया की कॉन्ट्रोवर्सी है वो बहुत ही लाजवाब होती है दोस्तों, और बहुत लोग इंटरेस्ट रहते हैं इसके अंदर। तो आज का मैच देखें तो कुल मिलाकर दोस्तों गम और खुशी दोनों देने वाला है। और दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मैच के बारे में तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।